Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanish Sharma and I welcome you to Champs Batch for Class 6. Today we are going to study our new topic on history, that is new questions and ideas. अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो starting से लेके पढ़ा, early man's के बारे में पढ़ा, hunters and gatherers के बारे में पढ़ा, फिर kingdoms के बारे में पढ़ा कि new new kings आ रहे थे. अब बीच में हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम religion कैसे आया. तो बहुत ही easy topic है, बहुत ही simple topic है, लेकिन सबसे पहले हम सबके दिमाग में, अभी तक तो शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा नहीं आया होगा, बट कभी कभार हमें लगता है कि हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, ये लाइफ किसने बनाई, भगवान कौन है, हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, हमें क्लास 6, 7, 8 के बाद क्या होगा, तो ये लाइफ क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. लेकिन जब भी हम इसके बारे में बात करने जाते हैं हमें समझ ही नहीं आता कि लाइफ क्या होती है. तो ऐसे ही जैसे आप क्यूरियस होते हो लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके जो हमारे आसपास होती हैं, ऐसे ही एक बॉय था जिसका नाम था सिड. ठीक है, तो ये एक सिड है, एक बॉय, इसकी हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. जो सिड था, जिसका पूरा नाम सिद्धार्थ भी था, वो एक ऐसा ही क्यूरियस बॉय था. उसके पापा एक राजा थे. चलिए इनकी स्टोरी करते हैं. तो इनके जो पापा थे वो किंग थे, और ये क्षत्रिया जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किया है, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस, उस थ्री टीयर्स में से क्षत्रियस को बिलोंग करते थे. और जब उसके पापा के पास इतना बड़ा किंगडम था, उसके पापा खुद किंग थे, वो ये भी चाहते थे कि जो सिड है वो भी किंग बने. लेकिन सिड की जो ख्यालात थे वो थोड़े से डिफरेंट थे. उसको बिल्कुल भी जो किंग, जो उसको लाइफस्टाइल दिया जा रहा था उसके पापा से या किंग से, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था. तो एक दिन जब वो अपने पापा को बताता है कि वो क्यूरियस है और उसको लाइफ के बारे में समझना है, उसके पापा उसको बोलते हैं कि मैं किंग हूँ और तुम भी किंग बनो. और इस चक्कर में उसके पापा ने सिड को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया, कुछ कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि वो एक राजा का बेटा था. लेकिन सिड बहुत ही क्यूरियस था. सिड को लगा कि ये सारी चीजें तो इजीली अवेलेबल हैं, तो लाइफ क्या है. तो सिड निकल पड़ा एक अलग खोज पर. सिड अपने चैरियट, अपने पापा का चैरियट लेके निकल पड़ा खोज. रास्ते में उसको बहुत सारी चीजें दिखी. तो उसको क्या दिखी, उसको ह्यूमन सफरिंग दिखी. क्या देखी, उसको ह्यूमन सफरिंग देखी. अब ये ह्यूमन सफरिंग क्या होता है, ह्यूमन सफरिंग यानी उसने ऐसे लोगों को देखा जो बहुत ही परेशान है, जो बहुत ज्यादा परेशान है. सबसे पहले उसने एक ओल्ड मैन को देखा, और ओल्ड मैन को जब उसने देखा, उसने ये देखा कि ये जो ओल्ड होने का प्रोसीजर है ये तो सबके साथ होना है. ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोसीजर है कुछ लोगों के साथ होता है. उसने देखा कि अभी मैं यंग हूँ, कुछ आने वाले टाइम पे जितने भी सारे यंग लोग हैं वो सब ओल्ड हो जाएंगे, और जब ओल्ड हो जाते हैं हम थोड़े से वीक हो जाते हैं. अभी हम कितने एक्टिव हैं, अभी हमें जितना बुलवाना है बुला लो, हमें बहुत एनर्जी है. लेकिन जब उसने ओल्ड मैन को देखा वो तो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया कि ये एक ह्यूमन सफरिंग ही तो है कि आने वाले टाइम में जब हम बुड्ढे हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, तो यानी कि हम वीक हो जाएंगे, हम उतने एक्टिव नहीं रहेंगे. उसके बाद उसने एक और बंदा देखा जो कि सिख मैन था, सिख यानी कि बीमार था. तो ओल्ड मैन तो देखा उसने, और दूसरा बंदा देखा वो ओल्ड तो था ही, उसने देख ले, दूसरे बंदे को देखा वो बीमार था. उसने ये भी देखा लाइफ में, उसको समझ आई सिड को कि ओल्ड भी एक प्रोसीजर है और हमें कुछ नहीं पता, हम बीमार भी पड़ सकते हैं. इसके अलावा उसने एक तीसरे मैन को देखा जो कि एक डेड कॉर्प्स था. डेड कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी, यानी कि एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी थी. ठीक है, वो गॉड के पास जा चुके थे और उनको लेके जा रहे थे लास्ट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने के लिए. तो वो क्या हो गए थे, वो मर गए थे. तो उसने तीसरा बंदा देखा जो कि कौन थे, जो मरे हुए व्यक्ति थे. और उसको और समझ आती रही कि ओल्ड मैन, ओल्ड होना भी एक प्रोसीजर है, ओल्ड होना भी एक प्रोसेस है, सबके साथ होना है. सिख हम बीमार कभी भी पड़ सकते हैं, हमने कोरोना का टाइम देखा है, राइट, हम सबने अपनी आंखों से देखा है. फिर उन्होंने ये भी देखा कि डेथ भी एक हार्श रियलिटी है, कि मतलब सब जो आए हैं दुनिया में उनको कभी ना कभी जाना है. और चौथी चीज उन्होंने देखी
जो कि एक होली मैन थे, यानी कि एक साधु जो क्या कर रहे थे, एक साधु थे वो कर रहे थे मेडिटेशन। तो उनके दिमाग में एक ऐसी चीज आई कि यानी कि लाइफ का मतलब तो यही है, हम कितना मर्जी घूम लें, फिर लें, एंजॉय कर लें, लाइफ की अल्टीमेट रियलिटी तो ओल्ड होना है, सिक होना है, डेड होना है। और उसके बाद इन सारी चीजों को जब उन्होंने वापस लेकर आए अपने दिमाग में, उनको ऐसा लगा कि ये सारी चीजों के अलावा जो रियलिटीज होती हैं, जो हम जीते हैं, गृहस्थी जीवन जीते हैं, ये तो है ही, बट एक्चुअली जो रियल है, जो होना ही होना है, वो ये सारी चीजें हैं। और जब लास्ट में उन्होंने खोली, मैंने एक साधु को देखा मेडिटेट करते हुए, उनको ये लगा कि ये अपनी सारी लाइफ की सफरिंग को हटा के एक अलग लाइफ में मेडिटेट कर रहे हैं। तो सिद्ध को लगा, जिनकी हम स्टोरी कर रहे हैं, कि अल्टीमेट अगर हमें कुछ पाना है लाइफ के अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस, तो हम मेडिटेशन से पा सकते हैं। तो बस वो निकल गए अपने पापा का पैलेस छोड़ के, अपने पूरी किंगडम को छोड़ के वो निकल गए। और 30 जब वो 30 इयर्स के थे, उन्होंने ये रियलाइज किया कि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल छोड़ दिया था, जबकि वो इतने रिच फैमिली को बिलोंग करते थे, वो एक किंग वाली फैमिली को बिलोंग करते थे, उन्होंने ये सब छोड़ दिया, लाइफस्टाइल छोड़ दिया, अपने बाल कटवा लिए, जहाँ से हम लगते हैं कि हम ब्यूटीफुल लग जाते हैं, अपने बाल कटवा लिए, अपने क्लोथ्स को छोड़ दिया और एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ चले गए, एक स्पिरिचुअल लाइफ की ओर चले गए, जहाँ उनको लगा कि मेडिटेशन करके या ध्यान लगा के, हम कहते हैं ना कि लाइफ में फोकस करो, तो अगर हम फोकस करेंगे लाइफ के अंदर, ध्यान लगाएंगे किसी भी चीज़ में, तो हम डेफिनेटली एक अलग लेवल या अलग पार्ट ऑफ लाइफ को पा सकेंगे। तो ऐसे ही इन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की और इन्होंने अपने सारा लाइफस्टाइल छोड़ के एक ट्री के नीचे क्या कि मेडिटेशन की, और इतने सारे आंसर क्वेश्चंस का जो उनके दिमाग में थे, बहुत सारे क्वेश्चंस से उनको आंसर किया थ्रू एनलाइटमेंट। तो इनको एक एनलाइटमेंट मिल गई थी, एनलाइटमेंट यानी कि हम एक अलग सी ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर है, जहाँ पे हमें किसे पूछना नहीं है, हमें ऑलरेडी ज्ञान आ गया है हर एक चीज का। तो ही वॉज नन अदर देन गौतम बुद्ध, यहाँ बोले सिद्धार्थ। जो सिद्ध की स्टोरी थी, ये सिद्धार्था थे, और जो सिद्धार्था थे वो क्या थे, उन्होंने लाइव गौतम बुद्ध उनको बोला जाता था, उनका नाम गौतम बुद्ध था, वो बुद्धा बुद्धिज्म का एक रिलीजन आगे प्रोसीड किया उन्होंने, ठीक है। इनको सिद्धार्था भी बोलते थे, सिद्धार्था भी बोलते थे। He was the one जिन्होंने बुद्धिज्म स्टार्ट की, बुद्धिज्म एज अ रिलीजन स्टार्ट किया, कैसे करके, प्रार्थना करके, मेडिटेशन करके, दुनिया की लाइफ की जो टेम्पटेशंस है उनको छोड़ के, डिजायर्स छोड़ के, इनको बस यही लगा कि जैसे कि हम मेडिटेट करेंगे, हम एनलाइटनमेंट की तरफ चले जाएंगे, हम एक नई दुनिया पालेंगे, जो लाइफ के डिजायर्स होते हैं, टेम्पटेशंस होती हैं, उनको हम छोड़ छाड़ के अलग दुनिया में जा सकते हैं और लाइफ के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। जो हमारी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उनको हम आंसर करते हैं, हम लाइफ की ट्रूथ वाली साइड पर जाते हैं और एक अच्छा और सच्चा जीवन जीते हैं, लाइफ की बहुत सारी चीजों को त्याग कर। तो ये एक बंदे थे जिन्होंने स्टार्ट किया, और सिद्धार्था इनका नाम था, इनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ एज अ रिलीजन, ही इज द फाउंडर। और इन्होंने और भी आगे जाके इसको प्रोसीड किया कि जो बॉयज़ हैं वो मॉन्क बन सकते हैं, अपनी लाइफ का लाइफस्टाइल पूरा त्याग के बस मेडिटेशन करते रहें, एनलाइटमेंट पाते रहें, ठीक है। और उसके अलावा जो गर्ल्स होती हैं वो भी कर सकती हैं, और वो नंस बन जाती हैं, वो लाइफ में शादी नहीं करते हैं, लाइफ के कोई भी जो एन्जॉयमेंट वाली पार्ट होता है, पार्टी करना, ड्रिंकिंग करना, एनीथिंग, दे जस्ट लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। और आपने सुना होगा बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जहाँ पे होती हैं, वी विल टॉक दिस अबाउट लेटर इन दिस लेक्चर, जहाँ जहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं वो पाई जाती हैं पहाड़ों पे, बिकॉज इन हिल्स बोला जाता है कि बहुत सारी जो लाइफस्टाइल होता है उससे हम अलग हो जाते हैं, बहुत पीस मिलता है वहाँ पे, राइट। तो आप अगर हम नॉर्मल सिटी की बात करें, सिटी में कितना हसल बसल है, मार्केट है, हसल बसल है, कितना ज़्यादा लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है सिटी, जो बिजिएस्ट होती है,
और अगर हम कंपेयर करें हिल्स से, हिल्स के अंदर बहुत ही सॉर्टेड, सिंपल, पीस, नेचर ऑल अराउंड होता है, राइट? तो इस चक्कर में दे ऑल्सो एक ऐसी प्लेस चूज करते हैं जो पूरे वर्ल्डली लाइफ से अलग हो. ओके. और ये जो हुआ था वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो. तो जो बुद्धिज्म था 2500 साल पहले आया था, जो आज तक प्रैक्टिस होता है. दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपल. क्योंकि अगर अभी हम देखें, रैपिड चेंज आया क्योंकि यहाँ पे आई ये टीचिंग से. ये हुआ, अगर हम बोलें कि ये लाइफ के अंदर चेंज आया, लाइफ के अंदर चेंज टीचिंग से ही आया. मेजर यहाँ पे टीचिंग ही हुई थी. टीचिंग हुआ तभी जाके इन्होंने आगे प्रोसीड किया. बहुत सारे लोगों को बताया कि एक्चुअली में, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस थे, तो बताया कि ये जो टीचिंग्स हैं, ये बताया बहुत सारे लोगों को जाके, बहुत सारे लोगों को रियलाइज कराया कि लाइफ क्या है, लाइफ की सच्चाई क्या है, तो आगे जाके बताई. अब देखते हैं बुद्धा किस लाइफ को बिलोंग करते थे और बुद्धा के बारे में थोड़ा जानते हैं. और हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था हिस्ट्री के, कि जब महाजनपदास बन गए थे, जब जनपदास बन गए थे मतलब बड़े बड़े किंगडम्स बन गए थे, राइट? इसके अंदर एक एसोसिएशन बनाई गई थी जिनको बोलते संघ, संघा. तो बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गना नोन एज द सकन्या गना. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सकन्या गना से बनी थी. यानी कि ये एक नॉर्मल किंगडम वाली लाइफ ही जीते क्योंकि इनके पापा किंग थे, राइट? एंड वो क्षत्रिय, और क्षत्रिय यूजली वही होते हैं जो वॉर में लड़ाई करते हैं. ये वहां से बिलोंग करते आ रहे थे. व्हेन ही वाज यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज बिकॉज बहुत ही क्यूरियस थे, बहुत ही इनको दिमाग वाली चीजें एक्साइटेड थे और चीजों के लिए जानने के लिए, लाइफ के बारे में जानने के लिए. ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स ये घूमे, बहुत सारी चीज इन्होंने खाना भी भीख से मांगा. ही वॉज वेल वर्स विद ऑल द फाइनेंसेस ऑफ हिज लाइफ. बट इन्होंने क्या चूज किया कि मेरे को कुछ नया एक्सप्लोर करना है, मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए जो मेरी मम्मी पापा मुझे दे रहे हैं. मीटिंग्स एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया. ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन बिकॉज इनके दिमाग में इतने क्वेश्चन थे, कोई इनके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पा रहा था. जब इनको रियलाइज हुआ कि इतने बड़े बड़े थिंकर्स बैठे हैं, वो आंसर नहीं कर पा रहे, तो मैं अपने आप अपने क्वेश्चंस का आंसर करूंगा. लाइफ क्या है, लाइफ में हम क्यों आते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने आप अपना पार्ट खोजूंगा. और उसके बाद ही मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर पीपल ट्री ऑफ बोध गया. बोध गया के पीपल ट्री के नीचे इन्होंने मेडिटेट की और बोध गया आज बिहार में है. Where he attained enlightenment. तो यहाँ पे इनको enlightenment मिला. Enlightenment क्या होता है, जब आप worldly life को बिल्कुल छोड़ देते हो, अपने questions आपको through meditation मिलते हैं, you connect with yourself with the universal thoughts, और आपको अपनी meditation से ही बहुत ज़्यादा knowledge और ज्ञान मिलने लगता है. एंड बुद्धा को एक वाइज आदमी भी बोला जाता था क्योंकि उनके अंदर इतनी नॉलेज भरपूर थी. उनको बैठे बिठाए एनलाइटनमेंट मिल गया मेडिटेट करके, और उनको हर एक चीज़ के बारे में पता लग गया जो लाइफ की सच्चाई होती है. ही देन वेंट टू सरनाथ नियर वाराणसी वेर ही थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. उसके बाद जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, उन्होंने क्या सोचा कि मैं अब पढ़ाऊंगा, जो ज्ञान मुझे मिला है मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा. आज तक भी अगर आप देखो, देयर आर सो मेनी मोनास्ट्रीज जहाँ पे एन नंबर ऑफ टीचिंग्स होती हैं, बुद्धिस्ट टीचिंग. बहुत ही मज़ा आता है, कभी आप जाओ मैक्लोडगंज एरिया में मम्मी पापा के साथ जाओ, तो आपको मोनास्ट्रीज मिलेंगी वहाँ पे. एंड ट्रस्ट मी, देयर आर सो पीसफुल. मैक्लोडगंज इज इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ न्यू लर्निंग्स फ्रॉम देयर. कोट्स होते हैं बुद्धा के जो आपको इतना कुछ बता देते हैं, राइट? सो वाराणसी में उन्होंने पहली बार सरनाथ में पढ़ाया. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ दिस लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट. इसके बाद वो ट्रैवल करते रहे और लोगों को बताते रहे, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास जावे एट कुसीनारा. कुसीनारा में ही पास जावे, उनकी डेथ हो गई थी. ही गॉड टू गॉड. अब आती हैं उपनिषद. तो मैम उपनिषद क्या है?
जब वो बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहे थे, उपनिषद का मतलब होता है कि साथ में बैठ के टीचिंग होना, यानी कि जैसे बुक्स होती हैं, पर उन बुक्स के अंदर क्या है, उपनिषद एक ऐसी बुक्स हैं जो आपको बताती है डायलॉग्स, जो आपको बताती हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग क्या है, जो वो रिकॉर्डेड वर्जन आपको किताब में दे रही हैं। उपनिषद लिखी नहीं हुई, ऑफ कोर्स ऐसे किसी बंदे ने आके लिखी हो, ये उपनिषद लिखी जरूर है, बट है क्या, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट है क्या, इसके अंदर डायलॉग्स लिखे गए हैं, इसके अंदर टीचिंग्स लिखी गई हैं, जो टीचिंग्स वर्बली ओरली जो दी गई थी बाय गौतम बुद्ध टू स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि उन्होंने बैठ के बताया हो, जरूरी है कि वो ट्रैवलिंग करके बता रहे हो, वो ट्रैवल करते करते फुट पे ट्रैवल कर रहे किसको बता रहे हो, तो ये सारी चीजें उपनिषद में लिखी गई हैं। ओके ये है सेटिंग डाउन नियर, सिटिंग डाउन नियर उपनिषद का एक्चुअल ही मतलब है। चलिए, मेनी ऑफ दी सिंगल्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट इज दैट वुड लास्ट इवन डेथ। अब क्या कह रहे हैं वो, ये एक सच्चाई इन्होंने खोजी, ठीक है, ये एक सच्चाई खोजी, ओके ठीक है। अब गौतम बुद्ध के टीचिंग से इतनी औसम क्यों थी या क्यों है टिल डे, क्योंकि वो कहते हैं कि मरने के बाद भी हमारे अंदर जो आत्मा है लाइक द सोल, वो मरती नहीं है। आत्मा इज द सेम, इफ आई एम अ गुड पर्सन दैट इज नॉट द यू नो मटीरियलिस्टिक मी फ्रॉम द आउटसाइड, इट्स फ्रॉम द इनसाइड आई एम गुड। अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसकी आत्मा बुरी है, तो दैट इज अबाउट द सोल, कि अगर हम मर भी जाएंगे, ये जो शरीर मिट्टी का बना है इसके अंदर से हमारी आत्मा निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे, हमारे अंदर आत्मा आ गई तो हम जिंदा हैं। तो ये रियलिटी चेक जो दिया था वो गौतम बुद्ध ने दिया था, और वो ये भी कहते हैं कि जो आत्मा है वो एक यूनिवर्सल सोल, जिसको कहते हैं परम आत्मा, से जुड़ी हुई है। एक हमारी हर एक इंसान की आत्मा है, दैट इज कॉल्ड द सोल। एक है जो यूनिवर्सल सोल है, यानी कि जो यूनिवर्स से मिली हुई है, ऐसा यूनिवर्स जो हमने ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में पढ़ा था, जो इतना बड़ा है, जिसमें सोलर सिस्टम छोटा सा है, इतना मिल्की वे कितना छोटा सा सोलर सिस्टम है, और यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, राइट। तो यही बात लिखी गई इसमें, मेनी ऑफ द थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर द डेथ। दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा और द इंडिविजुअल सोल। हम, मैं, आप, बहुत सारे लोग इंडिविजुअल सोल्स हैं, एंड ब्रह्मांड और द यूनिवर्सल सोल, दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड परमात्मा वर वन। तो आत्मा एंड ब्रह्मांड जो है वो वह हम ब्रह्मांड के अंश हैं, राइट, वो एक ही है, और वो हम सबको क्या कर रही है, गाइड कर रही है, हम सब उसी का ही पार्ट हैं। हम सब बेशक अलग हैं बट हम पार्ट ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का पार्ट हैं, एंड वी आर यू नो द पार्ट्स ऑफ द ब्रह्मांड, ठीक है। तो इन दैट केस ये बोला गया था कि जो सारी चीजें, हम सब एक ही हैं, इट्स नॉट अबाउट वी आर डिफरेंट, सब आत्मा ही है, इंडिविजुअल सोल, ये कहना था गौतम बुद्ध का। और ये सारी चीजें, बहुत से आइडियाज, ये एक आइडिया हो गया उनका, ये एक उनका टीचिंग होगी, ऐसी बड़ी सारी टीचिंग रिकॉर्ड गई है डायलॉग वाइज इन उपनिषद, ठीक है। अब देख रहे हैं तो उपनिषद क्या होती हैं, उपनी मेनी ऑफ द आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स, दीज आर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो हमारे लेटर वैदिक टेक्स्ट, तो वैदिक टेक्स्ट जो हम पढ़ चुके हैं, ये बाद के हैं, उपनिषद्स बाद वाले वैदिक टेक्स्ट हैं। उपनिषद लिटरली मीन्स क्या मतलब होता है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, जो टीचर ने बैठ के पढ़ाया है आपको, मतलब एक टीचर फिजिकल प्रेजेंट है, वो आपको बैठ के समझा रहा है, वो उपनिषद में रिकॉर्डेड वर्जन उनका लिखा गया है। एंड द टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, ऑफन आइडियाज आर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, कुछ डायलॉग्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो लिखी गई है उपनिषद के अंदर, जो टीचर आपको बैठ के समझा रहा है, जरूरी नहीं है टीचर आपको रीड करके बता रहा है, टीचर आपको कोई भी टीचिंग बता रहा है, डेथ के बारे में बता रहा है, अल्टीमेट रियलिटी होती है। तो एक स्टोरी आती है जहां पे, ओके, एक स्टोरी आती है जहां पे गौतम बुद्ध बैठे होते हैं, ठीक है, ये एक स्टोरी है, बड़ी प्यारी स्टोरी है, आपकी बुक में भी दी गई है। इसमें क्या होता है कि गौतम बुद्ध बैठे होते हैं यहाँ पे,
गौतम बुद्ध बैठे होते हैं, और उसके बाद उनके पास एक आंटी जाती हैं, ठीक है, उनके पास एक आंटी जाती हैं और बोलती हैं कि, बहुत सैड होती है आंटी, ठीक है, क्योंकि वो कहती हैं कि जो उनका बॉय है, जो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो अब नहीं रहा दुनिया में, ही इज़ डेड एंड ही इज़ नो मोर इन दिस लाइफ। तो गौतम बुद्ध के पास जाती हैं और वो बोलती हैं कि प्लीज़ ऐसा कुछ कर दो कि ये जो मेरा बेटा है या जो मेरा सुपुत्र है वो जिंदा हो जाए। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसा करो कि ये मैं आपको कुछ ग्रेन्स दे रहा हूँ, कुछ मस्टर्ड सीड्स दे रहा हूँ, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, ऐसे कुछ मस्टर्ड सीड्स उस घर से लेकर आओ, ठीक है, ऐसे कुछ मस्टर्ड सीड्स किसी और घर से लेकर आओ, एक्सप्लोर करो कोई और घर, ठीक है, कोई और घर में जाओ जहाँ पे जिनके घर में कोई मरा ना हो, ठीक है, ऐसे घर से लेकर आओ ऐसे कुछ मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, किसी के भी घर में जाकर आओ, और ऐसे घर में जाकर आना जिसके घर में कोई भी मरा ना हो। तो उसकी मम्मी एकदम हैप्पी हो जाती है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल, मैं अपने बच्चे को जिंदा करने के लिए मैं किसी के हद तक जा सकती हूँ। तो उसकी मम्मी जाती हैं हर जगह, कभी इस घर में जाती हैं, 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 ऐसे कितने सारे घरों में जाती हैं, और फाइंड आउट करती हैं कि ऐसा कोई घर ही नहीं है जिसमें कोई मरा ना हो। किसी के दादाजी की डेथ हुई होगी बहुत पहले, किसी की मदर की डेथ हुई है बहुत पहले, किसी की सिस्टर की डेथ हुई है बहुत पहले, किसी की हस्बैंड की डेथ हुई है बहुत पहले। तो वो वापस आती हैं और वो बोलती हैं, गौतम बुद्ध जी, ऐसा कोई भी मुझे घर नहीं मिला जहां पर किसी की मौत ना हुई हो। तो वो बोलते हैं, गौतम बुद्ध तो इससे आपको क्या पता लगा? इससे यही पता लगा ना कि जो मौत है, जो डेथ है, वो अल्टीमेट रियलिटी है लाइफ की। हम कितना मर्जी कुछ भी कर ले अपनी लाइफ में, वो एक हार्श रियलिटी है जो होनी ही होनी है। वो किसी के साथ भी क्या, सबके साथ होनी है। हम बूढ़े होंगे, दैट इज हार्श रियलिटी, हमें आगे जाके हमें क्या लाइफ मिलती, लाइक द फ्यूचर पार्ट, हम सबको मरना है। सो जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें कि डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, वो ही बेहतर है। तो आप इसको एक्सेप्ट करो, आप इसमें रो मत, आप इसको एक्सेप्ट करो कि जिस जो आया है वो जाएगा भी सही, पर टाइम का हेर फेर हो सकता है, कोई जल्दी जा सकता है, कोई बाद में जाएगा, ये सब अलग अलग टाइम पे जाएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड विद द अल्टीमेट रियलिटी। एंड वो ये भी बोलते हैं कि ये फिक्स इसलिए भी है क्योंकि एक वर्ड आता है कर्मा, कर्मा मतलब कर्म, कर्म मीन्स वर्क, वर्क मीन्स द डीड्स वी डू, ठीक है। आज अगर हम अच्छा करेंगे, हमें कर्मा इज वट वट वी गिव वी गेट द सेम, ठीक है, जो हम देंगे वो हमें वापस मिलेगा। दिस इज द अल्टीमेट, अगेन द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर मैं बहुत अच्छा करूंगी सबके साथ तो मुझे इन रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर मैं नहीं अच्छा करूंगी किसी के साथ, ठीक है, इफ आई बी अ बैड पर्सन, तो हो सकता है कि मुझे अभी अच्छा ना मिल रहा हो, बट कर्मा व्हेन इट गिव्स बैक इट गिव्स विद इंटरेस्ट। अगर मैंने 10% अच्छा किया तो मुझे 100% अच्छा मिलेगा इन रिटर्न। दिस इज हाउ कर्मा वर्क्स। एंड बेटा ये पढ़ाई तो है, बट आई एम गिविंग यू लाइफ नॉलेज, ओके। अगर हम 10% किसी के साथ सैड बुरा करते हैं तो वही मुझे 100% इन रिटर्न सैड मिलेगा। दिस इज दी सिंपल कैलकुलेशन। 10% आप अच्छा करोगे इसके साथ आपको 100% यूनिवर्सल अच्छा मिलना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कर्मा। एंड अगर हम 10% किसके साथ बैड करते हैं, वो भी हमें 100% बैड मिलेगा इन लाइफ। हो सकता है अभी ना मिले, बट इन फ्यूचर कभी ना कभी हमें मिले। सो दैट इज ऑल अबाउट कर्मा। ये भी गौतम बुद्ध ने लिखा है, और ये सारी टीचिंग्स जो वो करते थे, वो जब मुंह जुबानी करते थे, ये सब रिकॉर्ड हुआ हमारे उपनिषद में। ये छोटी छोटी टीचिंग्स जो उन्होंने करी हैं, ये सब रिकॉर्डेड है इन उपनिषद, ठीक है। तो कभी आप बड़े हुए, और बहुत सारा ऐसा था कि सबको ये टीचिंग्स उस टाइम पे, जो क्यूरियोसिटी होती है लाइफ की, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर है,
तो भले वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो सब लोग जब बुद्धिस्ट में कन्वर्ट होने लग गए या बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करने लगे, वो बुद्धिस्ट कहलाने लग गए। तो पीछे जो हिंदुइज्म है या क्षत्रिय है या वैश्य है, वो सारा उनका डिजोल्व हो गया। तो वो अब बुद्धिस्ट के उसमें आ गए, वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के बुद्धिज्म में लग गए, प्रैक्टिसेस में लग गए, जो गौतम बुद्धा ने चीज़ें बताई गई उनमें लग गए, मेडिटेशन में लग गए, ध्यान लगाने लग गए। तो ये सारी चीज़ें हमें यही बताती हैं कि एक नया रिलीजन फॉर्म हो रहा था जिसको हम बोलते हैं बुद्धिज्म। लेकिन इससे भी पहले एक और ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था जो महावीर थे। महावीर भी एक ऐसे गौतम बुद्ध जैसे ही एक इंसान थे और वो बहुत ही ज़्यादा पुराने थे। उन्होंने भी ऐसे करके एक अपना रिलीजन बनाया जिसको बोलता है जैनिज्म। और अगर हम बात करें अभी सबसे लेटेस्ट वाले जो हम महावीर प्रैक्टिस करते हैं, द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनाज वर्धना महावीरा। ये महावीर जो थे सबसे पहले तो जैनिज्म बना था। तो सबसे पहले अगर आप बुद्धिज्म भी देखें तो लगेगा मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म तो सेम सेम लग रहे हैं, दे आर नॉट सेम। जो जैनिज्म था वो पुराना था, ओल्ड था, उसके बाद बुद्धिज्म बना बिकॉज ऑफ गौतम बुद्ध टीचिंग, थोड़ी सी अलग थी। दोनों में डिफरेंस बस ये है कि गौतम बुद्ध की जो टीचिंग थी वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, इट वॉज ऑल अबाउट दी रियलिटीज ऑफ लाइफ। लेकिन जो जैनिज्म था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सेम यही 2000 साल पहले ही महावीर जी ने, यहाँ बोले वर्धमान महावीरा जो 24th तीर्थंकरा थे, इससे पहले 23 थे, 24th जो थे वो वर्धमान महावीरा थे, 23 पहले हो चुके थे इनसे। तो ये ज़्यादा पुराना हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ही वॉज क्षत्रिय, अगेन ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिंचावीज, अ ग्रुप दैट वॉज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघा। ये हमने किंगडम वाले में किया, तो ये लोग किंगडम वाले के बाद से आए। तो महावीर यानी कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वॉज द फर्स्ट जो रिलीजन हम देखते हैं। एट द एज ऑफ 30 अगेन ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू द लिव इन फॉरेस्ट, वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट, यही हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ को दूर करके ये एक पेड़ के नीचे फॉरेस्ट में आके इन्होंने रहना शुरू कर दिया। फॉर 12 years ही हैड हार्ड लेड अ हार्ड एंड अ लोनली लाइफ, कोई नहीं था इनके साथ, बहुत ही मुश्किल में जिए हैं। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन एनलाइटमेंट, तो एनलाइटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिलती है फ्रॉम द यूनिवर्स। आप पूरा ध्यान अगर यूनिवर्स पे लगाओगे, यूनिवर्स गिव्स यू एनलाइटमेंट। ठीक है, और फिर जब इनको एनलाइटमेंट मिला तो कैसे, इनकी जो डॉक्ट्रिन थी वो बहुत ही मुश्किल थी। लाइक यू हैव टू गिव द इंटायर थिंग्स ऑफ योर लाइफ, योर हेयर, योर क्लोथ्स, योर फूड, इवन शेल्टर। अब क्या करना है आपको, बस भगवान या फिर इस इफ नॉट भगवान भी से एनलाइटमेंट मेडिटेशन की तरफ आपको ध्यान लगाना है। सो जैनिज्म अ बिट वॉज डिफिकल्ट फ्रॉम बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में टीचिंग ज़्यादा थी, यहाँ पे भी टीचिंग्स थी, बट हियर वॉज डिफरेंट टीचिंग। सो मैन एंड वुमेन हु विश टू नो अबाउट द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। दोनों में ये कॉमन है कि किसी को भी अगर लाइफ के बारे में जानना है तो सबसे पहले वो अपना घर छोड़े। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली रूल्स ऑफ अहिंसा। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। आप किसी कीड़े को भी नहीं मार सकते हो, आप किसी बी को भी नहीं मार सकते हो। सो फार्मर्स ऑफ कोर्स वो क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट यूज़ करते थे, कीटनाशक, कि उनका क्रॉप्स कोई खाए ना जाए। भले उनकी इंटेंशन मारने की नहीं थी कि हम उनको मार रहे हैं और खा रहे हैं, उनकी इंटेंशन थी कि हम अपना क्रॉप बचा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो लालच, दुनिया में वो कहते हैं लालच, ग्रीड, वॉयलेंस, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जैनिज्म था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे उसके, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। किसी को भी आपको हर्ट नहीं करना है, चोट नहीं पहुंचानी है किसी को भी, किसी को भी आपको, किसी जानवर या किसी बी या किसी कीड़ा। आपको अगर चलना भी है तो आपको ये देख के चलना है कि आप अपने पैर थले, पैर के नीचे किसी ऐसे जीव को ना मार जो जीवित है। दिस इज जैनिज्म। ऑल बींग सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लिव इज डियर, लाइफ इज अ डियर। ठीक है, वो बोल रहे ऑल बींग्स लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स, जो थिंग्स हैं, ठीक है, ऑल बींग्स लॉन्ग टू लिव, लाइफ इज डियर। वो कह रहे हैं कि सबके लिए, सारे लोगों के लिए, लिविंग बींग्स के लिए जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बात होती है लाइफ।
ठीक है, हमारी सबसे प्यारी चीज हमारी लाइफ है। आज मैं आपको खड़ा कर दूं कि लाइक दिस इज योर लास्ट डे, तो यू विल फील कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपनी लाइफ में, राइट? कभी भी आपको लाइफ में खड़ा कर दे, दिस इज योर लास्ट डे, आपको अपनी सबसे ज्यादा प्यारी अपनी जान है, अपनी लाइफ है, दिस इज व्हाट महावीरा सेज। और किसी की लाइफ जो सबको अपनी अपनी प्यारी होती है, हम किसी की लाइफ कैसे छीन ले किसी से, राइट? सो ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे वर यूज्ड इन प्राकृत। याद करो जो वेदास था वो संस्कृत में लिखी गई थी, ये लिखी गई थी प्राकृत में। तो बहुत सारी जो टीचिंग्स जो लिखी हुई हैं, जो बोलते थे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज ताकि बहुत सारे लोग समझ पाए। देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी। तो प्राकृत जो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज थी जो हर कोई समझ जाए, और हर लोग जो अट्रैक्ट होते थे इससे, जो अट्रैक्ट होते थे इस लैंग्वेज से, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते थे और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे कि हाँ हमें ये जैनिज्म वाला फॉलो करना है, ठीक है? नेक्स्ट, जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। देखो अब क्या है, ट्रेडर्स ज़्यादा उसको कर पाते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये कुछ समथिंग विच वी कैन फॉलो। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारी आपको चीज़ें खोनी पड़ रही थी, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग होना पड़ रहा था बहुत सारी चीज़ों से, राइट? देन ओवर हंड्रेड ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात। तो नॉर्थ इंडिया में गया, फिर गुजरात में गया, फिर साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में भी गया। The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally over several centuries. Oral way में मतलब बोल बोल के वो teachings एक जगह से दूसरी जगह transmit होती थी, move from one place to another. They were written down in the form which they are presently available at the place called Vallabhi. आज के ज़माने में Vallabhi कैसी जगह है? गुजरात के अंदर about 1500 years ago. ठीक है, यहाँ पे ये अभी भी आप पा सकते हो उनकी टीचिंग्स जैनिज्म की। बट इनकी टीचिंग्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी, ठीक है? इनकी टीचिंग्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी। लाइक आपको अपने हेड शेव कराना है, आपको सिंपल लिविंग जीनी है, आपको कुछ ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना है, सिंपल लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग ऑल्सो, मेडिटेटिंग एवरी डे, इवन गिविंग अप योर क्लोथ्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, किसी को हर्ट नहीं करना है, मेडिटेट करो, किसी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सो ऑल दीज थिंग्स वर गिवन बाय महावीरा। बहुत समय तक ये जो जैनिज्म है या बुद्धिज्म है ओरली चलते रहे, दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर चलते रहे, ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Traveled from one place to another, gave up, they gave up desires, जो चाहते होती हैं, हमारी चाहत है, desires, needs, simple living, जो एक survival के लिए ज़रूरी होता है। कि गौतम बुद्ध ये भी कहते थे कि ये सारी जो चीज़ें हैं distractions of your life, राइट? जैसे कि अब हमें जीने की इच्छा है, तैयार होना है, हमें घूमना है, दीज ऑल आर डिज़ायर्स। अगर आप ये सब चीज़ें पालोगे ना, उसके बाद भी आपकी जो अंदर की नीड है या जो चाहत है वो ख़त्म नहीं होगी। सो दिस इज़ व्हाट गौतम बुद्ध सेज एंड दिस इज़ व्हाट महावीरा ऑल्सो डॉक्ट्रिन सेज, कि मतलब आपकी जो वर्ल्डली डिज़ायर्स है ना, इनको इच्छाओं को मारना है, और यही बहुत मुश्किल होता है, राइट? तो इसीलिए बहुत टाइम तक ये लोग एक प्लेस से दूसरी तरफ घूमते फिरते रहे। शेल्टर नहीं होती थी इनके पास बिल्कुल भी, क्योंकि एक पैर से दूसरे पैर तक नेचर को एक्सप्लोर करते थे। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब इनको रियलाइज़ हुआ कि हमारे साथ विमेन भी होती हैं, या फिर हमारे साथ रेनी सीजन है तो वी डू नॉट नो वेयर टू लिव, वी डू नॉट नो वेयर टू गो, तो ये क्या करते थे, इन्होंने एक टेम्प्ररी शेल्टर बनाने की कोशिश की, ठीक है? इन्होंने टेम्प्ररी शेल्टर्स बनाने की कोशिश की, जो कि टेम्प्ररी शेल्टर्स किससे बनते हैं,
वुड से बना, सिकल से बना, राइट। तो छोटे छोटे उन्होंने बनाने की कोशिश की। और उस टाइम पे जो किंग्स होते थे, दे ऑल्सो वर वेरी अट्रैक्टेड टू ऑल दीज न्यू टीचिंग्स एंड यू नो न्यू नॉलेज। तो वो भी किंग्स भी डोनेट करते थे कुछ ऐसी जगह जो यहाँ पे ये लोग बैठ के मेडिटेट कर सकें, या अपने टीचिंग्स को ओरली ट्रांसमिट कर सकें, या फिर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो रियलिटी चेक दे सके लोगों को। तो उन जगह को मोनास्ट्रीज बोलते हैं, उन जगह को मोनास्ट्रीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, टू बिगिन विद, बोथ जैना लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे टीचिंग पीपल। हम पढ़ा रहे हैं, हम बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग रेनी सीजन वेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। देन दे सपोर्टर्स बिल्ट टेम्पररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। अब वाई दे चोज हिली एरियाज, दैट इज अगेन अ कॉन्सेप्ट। हिली एरियाज में ज़्यादातर वो प्रेफर इसलिए करते थे क्योंकि हिली एरियाज बहुत ही लेस कमर्शलाइज होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो हिली एरियाज जो होती हैं, हिली एरियाज लेस कमर्शलाइज्ड, क्योंकि जो वहां की ज्योग्राफी होती है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती कि वहां पे आप रेगुलर लाइफ जियो। सो इट इज पीसफुल, क्या होती है, पीसफुल होती है। बहुत ज्यादा वहां पे आपको शांति मिलती है। ओके, देर इज नो सच लाइफ। जो सिटी लाइफ होती है, सिटी लाइफ जो होती है, देर इज नॉट दैट, दिस थिंग इज नॉट प्रेजेंट। सिटी लाइफ नहीं होती, और बहुत ज्यादा जिस कहते हैं हम शोर, सिटी लाइफ के अंदर जो शोर होता है, दैट इज ऑल्सो एब्सेंस। सो अगर हम बोले कि नॉइज, सो नॉइज इज ऑल्सो नॉट देयर। सो दे प्रेफर्ड हिली एरियाज ओवर द बिजिएस्ट एरियाज, और वहां पे जाके ये टेम्पररी शेल्टर्स बनाते थे, टेम्पररी शेल्टर्स बनाते थे, और ये टेम्पररी शेल्टर्स इनको हेल्प करता था, और बहुत सारे लोगों को हेल्प करता था जो अपकमिंग होते थे, जिनको परमिशन लेनी पड़ती थी। अब बहुत सालों पहले क्या होता था कि अगर किसी को अपनी वर्ल्डली लाइफ गिवअप करनी है, या फिर मॉन्क बनना है, नन बनना है, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, फ्रॉम देयर फैमिली, फ्रॉम इफ बच्चे हैं तो फ्रॉम देयर मदर एंड फादर। अगर उनको परमिशन मिलती थी तभी जाके वो मॉन्क या नन या अपनी वर्ल्डली लाइफ को गिवअप कर सकते थे। तो वो आते थे, इन टीचर्स के साथ आते थे, बातचीत करते थे और इनकी ट्रेनिंग लेते थे, क्योंकि वर्ल्डली लाइफ डिजायर गिवअप करना बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या करते थे, वो टीचिंग्स लेते थे टेम्प्रेरी शेल्टर्स, बाद में जाके ये बाद में जाके परमानेंट में बदल गए, टेम्प्रेरी शेल्टर्स बाद में जाके परमानेंट में बदल गए। और ये जो परमानेंट शेल्टर्स हैं इनको बोला जाता है मोनास्ट्रीज। ठीक है, अगर हम देखें ये जो मोनास्ट्रीज होते थे फॉर परमानेंट शेल्टर्स, सो मोनास्ट्रीज वर बिल्ट एंड इनको विहार्स भी बोला जाता था। इनको क्या बोला जाता, विहार्स। और ये जो विहार्स थे, ठीक है, ये जो विहार्स थे, दिस इज द अनदर नेम फॉर मोनास्ट्रीज। ठीक है, तो ये अगर आप देखो प्रेजेंट डे इन द हिली एरिया यू विल गेट टू नो, इन इंडिया ओनली, इफ यू गो टू धर्मशाला, धर्मशाला इज इन हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, ओके, प्रिसाइसली मैक्लोडगंज, यू विल फाइंड द मोनास्ट्रीज इन, यू विल फाइंड द मोनास्ट्रीज इन शिमला एज वेल, यू विल फाइंड मोनास्ट्रीज इन मसूरी, अपर मसूरी, ठीक है, मसूरी स्पेशली, लैंडियोर, लैंडियोर मसूरी, मसूरी बोला, मसूरी नहीं जहाँ हम घूमने जाते हैं, मसूरी के भी ऊपर एक और जगह जिसको लैंडियोर बोलते हैं, वहाँ पे रस्किन बॉन्ड का भी, रस्किन बॉन्ड इज अ राइटर हु राइट स्टोरीज, वो भी रहते हैं वहाँ पे। एंड वहाँ पे बहुत सारी यू विल फाइंड मोनास्ट्रीज, बहुत सारी तो नहीं, लिमिटेड मोनास्ट्रीज। और इन मोनास्ट्रीज में दे यू नो टीच, दे प्रीच एंड देन दे मेडिटेट। इसके अलावा यू विल फाइंड इन हिमाचल प्रदेश लाइक बीर बिलिंग इज अ प्लेस, ठीक है, वर्ल्डली लाइफ देयर आर मोनास्ट्रीज देयर एज वेल। तो बेसिकली सारी जगह क्या है, हिमालयस, ये सारी जगह क्या है, हिल्स, माउंटेन्स,
देर आर सेवरल मोनास्ट्रीज एंड महावीर टेम्पल जैन टेम्पल इन सिटीज एज वेल, बट मोस्टली यू विल फाइंड ऑल दीज मोनास्ट्रीज इन हिली एरियाज, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्ल्डली लाइफ से अलग करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अलग लाइफ में जीते हैं, एनलाइटमेंट पाने के लिए वर्ल्डली लाइफ को त्याग देते हैं, क्लोथ्स को त्याग देते हैं, दे वेयर द सिंपल, अगर आप बुद्धिस्ट देखोगे तो दे वेयर डार्क मैरून कलर के क्लोथ्स दे वेयर, एक तरह का उनका स्टाइल होता है पहनने का. सो ऑल दीज थिंग्स ऑब्वियसली यू फाइंड इन महावीर एंड जैनिज्म एंड इन बुद्धिज्म. और यही बोला गया था कि सबसे पहले टाइप के रिलीजन स्टार्ट हुए थे, राइट. तो विद दिस चिल्ड्रेन आई होप यू आर क्लियर. एंड यस, वॉट ब्यूटिफुल थिंग यू गेट फ्रॉम दिस इज मेडिटेशन. Meditation definitely gives you the focus. Meditation definitely gives you, you know, that power to think. वो ध्यान लगाना जिसको बोलते हैं ना, वो जरूरी नहीं है आप किसी एक भगवान का नाम लो. It's not about particular God. It's about you are, you know, giving up your, what is this? Breath. आप अपनी breath को watch कर रहे हो and you're meditating and you're focusing on something. Focusing on your breath, the cycle of your breath. And imagining something beautiful, something positive. So with the positive note, I would like to end this lecture. I hope you really like this lecture. See you children, bye-bye. See you next time in the next lecture. Bye-bye.